हेलो दोस्त, रेलवे एलपी एंड टेक्नीशियन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि डॉक्यूमेंट के बाद फाइनल के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से फाइनल जॉब के लिए कितना बढ़ता है कट ऑफ एलपी और टेक्नीशियन का कट ऑफ। तो यहाँ पे एक थोड़ी सी हिंट मिल चुकी है जिसमें सेंट्रलाइज्ड नोटिस नंबर 1/2014 ऑफिशियल कट ऑफ के बारे में बताया गया है, जिसमें आरआरबी मालदा पे लोगों ने आरटीआई किया था, उसको आरटीआई के जवाब में मिला है कितना बढ़ा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल के लिए कट ऑफ। तो यहाँ सबसे पहले एक खुशखबरी दे दिया जाए किनके, तो आईटीआई टेक्नीशियन के लिए खुशखबरी है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता। एलपी में भी रेयर चेंज होता है क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जिनको जॉब मिलता है और नहीं मिलता है दोनों के लिए लिस्ट अलग हो जाती है, कट ऑफ लगभग एक ही रहता है। लेकिन आरआरबी के पास सारा रिकॉर्ड होता है कि कितने वाले को अभी हमने जॉब दे दिया है, कितने वाले वेटिंग लिस्ट में है, तो उसी का जवाब ऑफिशियल दिया है। लेकिन समझेंगे कि ये डेढ़ गुना लिस्ट क्यों बुलाया जा रहा है। हर बार एक प्रश्न पूछा जाता है लोगों से कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डेढ़ गुना कैंडिडेट को क्यों बुलाया जा रहा है, तो सिंपल से जवाब आप ही देंगे कि डेढ़ गुना कैंडिडेट बुलाने का मतलब एक ही है कि जितना पोस्ट है वो सब फिल हो जाए। यदि यहाँ समस्या है कि सब फिल हो जाए तो कुछ लोग दूसरी क्वेश्चन करेंगे कि इतनी बेरोजगारी है पोस्ट कैसे खाली रह जाता है ये भी बताएं। तो पोस्ट कितना खाली रह जाता है ये कैसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो हर लोग जॉब के लिए जा रहे हैं और जॉब का पोस्ट खाली रह जाता है। तो इसका आंसर सिंपल सी देखेंगे तो डिफ़िकल्ट वैकेंसी फिलिंग प्रोसेस। भारत में जो वैकेंसी भरी जाती है वो बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, जिसमें बहुत अलग अलग कैटेगरी के, जिसमें कम्युनिटी, क्वालिफिकेशन, मार्क्स, पोस्ट चॉइस। पहला प्रोसेस में आप देखेंगे तो कम्युनिटी में एसी की पोस्ट भर गई तो एसटी की खाली है, एसटी की भर गई तो ओबीसी की भर गई, यूआर का खाली है, कोई पता नहीं चलता कि किस कैटेगरी में कितने कैंडिडेट हैं। ये भी डिफिकल्ट कंडीशन का इंडिकेट करता है, यानी कोई पोस्ट रिजर्वेशन के कारण भी खाली रह जाता है, एक कंडीशन। दूसरा क्वालिफिकेशन के कारण, कि अगर देखेंगे आप तो आईटीआई वाले के पोस्ट का कम पास हुए हैं, ये क्वालिफिकेशन का ही असर है, नहीं तो डिप्लोमा डिग्री में क्वालिफिकेशन में आप देखेंगे तो वहाँ पे हाई मार्क्स होते हुए भी जॉब नहीं मिली है, ये भी एक डिफ़िकल्टी है। उसी तरह मार्क्स, कितने नंबर किसने लाया कोई नहीं पता चलता, कौन से कम्युनिटी से कौन सा कैंडिडेट कितना ला देगा कुछ नहीं पता है। उसके बाद पोस्ट च्वाइस, पोस्ट च्वाइस लोग अपने हिसाब से करते हैं कि हम कौन सी पोस्ट पे जाना चाहेंगे, ये भी एक अंतर है। कट ऑफ पे आते हैं उसके बाद एक सर्विस मैन पीडब्ल्यूडी, इसमें भी VIHI का रिजर्वेशन, उसके बाद अप्रेंटिसशिप रिजर्वेशन, ये भी पोस्ट को खाली रखने में बहुत बड़ा योगदान करता है। एक सर्विसमैन जम्मू एंड कश्मीर कोई नहीं जाना चाहता, अगर जम्मू कश्मीर जाना चाहता तो इनका मार्क्स बहुत कम हो जाता है, ये क्वालिफाई भी कई जगह पे नहीं करते हैं, कई जगह पे इनका स्कोर भी मेरिट से बहुत ज़्यादा बन जाता है, कई जगह PWD भी ऐसा होता है। उसी तरह अप्रेंटिसशिप में ग्रुप डी में देखे होंगे, ऐसे ही LPA में भी हो सकता है। उसके बाद मेडिकल असिस्टेंट, सबको जानता है कि हमें एक जॉब चाहिए लेकिन हमारी कंडीशन क्या है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मेरा आई साइट 6x6 है या नहीं है, 6x9 है या नहीं है, ये कंडीशन भी बहुत पोस्ट खाली रहने में मजबूत करता है, क्योंकि आपने अगर जहाँ लोग ज़्यादा भर दिए उस पोस्ट में खाली रह जाती है। यानी यहाँ पे आपको कह दूँ LP वाले पोस्ट में कि डेढ़ गुना कैंडिडेट LP में है और टेक्नीशियन में 1.2 या 1.1 गुना है, तब भी LP की पोस्ट ज़्यादा खाली होगी, यानी वेटिंग लिस्ट वाले का ज़्यादा चांस आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A1 होने के वजह से LP में होगा। क्यों? क्योंकि इसका मेडिकल स्टैंडर्ड A1 है और यहाँ मेडिकल स्टैंडर्ड आपका B2C2 तक है। तो समझ सकते हैं कि टेक्नीशियन में डिफ़िकल्ट होता है लेकिन पास हुए कम कैंडिडेट होते हैं। उसके बाद पर्सनल इंटरेस्ट, इसको कोई फोकस नहीं करता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पर्सनल इंटरेस्ट। कुछ लोग कहते हैं कि मैं पिछली 2014 में मुझे जॉब मिला था लेकिन मेरा डिपार्टमेंट अच्छा नहीं है, मैं मेट्रो में हूँ, रेलवे में जॉब करना चाहता हूँ। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 2014 में ALP में ज्वाइन कर लिए, अब उन्हें LP पसंद नहीं है, टेक्नीशियन चाहिए।
कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पहली आरआरबी मुंबई भर दिए और रहने वाले यूपी या बिहार के हैं, तो कहते हैं मुझे घर पे जॉब चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। आप इस वैकेंसी में भी देखेंगे तो पिछले वाले वैकेंसी के क्वालिफाई कैंडिडेट जो जॉब में ऑलरेडी हैं वो भी अपने घर वाले पोस्ट में भर दिए होंगे। अगर उनको अपने पसंद से एलपी या टेक्नीशियन का खराब डिपार्टमेंट मिल जाएगा तो वहाँ पे वो ज्वाइन करने से पहले एक बार उस पोस्ट को छोड़ना बेटर समझेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि उनकी अगर 2-3 साल जॉब में हो गई तो उनकी सीनियरिटी लॉस होती है। तो ये सारा कंडीशन है जिसके कारण से रेलवे की टोटल पोस्ट से 1.5 गुना बुलाया जाता है। यही कारण है डिफिकल्टी लेवल जिसके कारण 1.5 गुना होता है। लेकिन 1.5 गुना होने से लोग अब बहुत घबराने लगे हैं एक्चुअल लोग, कि मेरा सिलेक्शन में कितना नंबर बढ़ गया, कितना बढ़ जाएगा फाइनल सिलेक्शन में डॉक्यूमेंट से। तो कुछ लोगों ने तो यहां तक बोल दिया कि 15 से 20 नंबर बढ़ेंगे। मैं किसी का नाम नहीं बताऊंगा, मैं किसी का चैनल भी नहीं देखता, क्लियर बता रहा हूं। लेकिन कुछ कमेंट ऐसे आए हैं लोगों का जो बता रहे हैं कि 15 से 20 नंबर बढ़ने की बात कर रहे हैं। तो संकोच दूर कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा, आइए अब लिस्ट पे। तो ये है आरआरबी मालदा का रिप्लाई जिसमें नाम यहां दिया हुआ था, पहले देख लीजिएगा ध्यान से, जिसमें डियर आपका नाम जिसने अप्लाई किया था बोला प्लीज प्रोवाइड दी डाटा अबाउट सेंट्रलाइज्ड नोटिस नंबर 1/14 फॉर व्हाट वाज कट ऑफ मार्क इज अप टू टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टेस्ट और कम्युनिटी वाइज प्रोवाइड, सबको प्रोवाइड करा दीजिए हमें। तो यहां से इंफॉर्मेशन आया है कट ऑफ मार्क अगेंस्ट वेरियस कैटेगरी वाया नोटिस 1/2014 एलपी एंड टेक्नीशियन पोस्ट। अब यहां देखिएगा 3 कट ऑफ एलपी की दी हुई है। पहला कटअप आपका एलपी का दिया हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं, पहले कटअप पे हम एडजस्ट करते हैं तो पहला कटअप आप देखिएगा ये रेलवे का है। तो यहाँ पे हमने रेलवे मालदा का एक कटअप है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो पहला कटअप में देखिए एलपी का है, पहला कटअप आपका दिया हुआ है साइको का कटअप, दूसरा कटअप डीवी के लिए है और तीसरा कटअप फाइनल के लिए है। यहाँ यूआर है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, सभी डिफिकल्ट कंडीशन को यहाँ इंडिकेट कर रहा है। अब इसमें देखिएगा सबसे पहले जो साइको का कटअप हुआ था तो साइको के डीबी में जाने के लिए करीब करीब 10 से 12 नंबर बढ़े थे, कई जगह पे 4 भी बढ़ा है। यहाँ देखिए 57 से 62 हुआ है, यानी यहाँ पे करीब करीब 5 नंबर के आसपास बढ़े हैं। यहाँ पे 47 से 60 हुआ है, देख सकते हैं कितने नंबर बढ़ा है ओबीसी का, तो ये करीब करीब कह दे कि 13 नंबर बढ़ा हुआ है। कहीं पे देखिए यहाँ यहाँ बढ़ा हुआ है, एसटी का देखिए कम बढ़ा हुआ है, यानी हो सकता है अनियमित हो, कहीं कम कहीं ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन फाइनल कटअप के लिए देखिएगा, मेन मकसद यहाँ फाइनल कटअप का है। फाइनल कटअप में देखिए किसी भी कैटेगरी में 1 से 1.5 नंबर से ज़्यादा नहीं बढ़ा है, तो अभी भी 1 या 2 नंबर अगर आपका कटअप से ऊपर है तो मेन लिस्ट में आने की संभावना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काफ़ी लोग फेल होते हैं। यहाँ अभी लग रहा है आपको इजी है, जब वहाँ डिमांड किया जाएगा। और एक और सूचना आपको दे दूँ, आरआरबी पटना से, आरआरबी पटना में कुछ लोग इंक्वायरी करने गए थे, वो बोले थे कि मेरा मेडिकल स्टैंडर्ड कौन होगा, तो आरआरबी पटना का जवाब है कि आपको मेडिकल स्टैंडर्ड A1 के लिए भेजा जाएगा, बाकी अगर आप इसमें नहीं सूट करते हैं तब सेकंड ऑप्शन में आपके दूसरे पोस्ट पे विचार किया जाएगा, लेकिन मेडिकल स्टैंडर्ड आपको A1 के लिए भेजा जाएगा। लेकिन डॉक्टर जो होगा रिमार्क आपका लिखेगा कि आप B2 हैं, C2 हैं या आप B1 हैं, जो मेडिकल या A1 है जो सूट होगा वो डॉक्टर लिख देंगे, उसी डॉक्टर के हिसाब पे आपकी पोस्ट जो आपका मिला है और आपका मेडिकल स्टैंडर्ड का रिपोर्ट आया है उसके अनुसार से पैनल बनेगा। तो आप समझ जाइएगा, इंडिकेशन क्लियर दिया हुआ है कि मेडिकल स्टैंडर्ड हायर पे फोकस होगा, डॉक्टर आपको लिखेगा एक्चुअल कंडीशन, आरआरबी मिलाएगा आपके पोस्ट से। तो यहाँ देखिए, तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो कट ऑफ कितनी बड़ी है, बिल्कुल नैरो मार्जिन से बड़ी है। उसी तरह टेक्नीशियन सिग्नल जिसकी पीसीएम की हम बात करते हैं, पीसीएम जो 10+2 वाले कैंडिडेट के लिए है, 10+2 वाले के लिए, उनके देखिए डीबी के लिए कट ऑफ गया था 67.74 और 68.34 गया है, कितना डिफरेंस है, 1.5 नंबर। 67 का 67 ओबीसी में है, 63 का 63 एसी में है, 55 का 65 है, यानी कहाँ बढ़ा है, 55 का 55 है, तो कुछ नंबर नहीं बढ़े हैं। यानी डीबी के बाद एक्चुअल कटअप नहीं बढ़ता है, और पिछली बार भी बता दूं 1.5 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। उसके बाद अगली पोस्ट की बात करते हैं, अगली पोस्ट देख ले, ये आपका टेलीकॉम मेंटेनर 3 है, जो आपका ये भी ए सिग्नल का है, ये टेलीकॉम का है। इसमें भी देखेंगे तो 2 में पोस्ट नहीं थी, यहाँ पे देखिए एसी के लिए 63,
दोनों में 63, यहाँ 56 से 91, यानी यहाँ पे 3-4 नंबर बढ़ा हुआ है। हो सकता है पोस्ट 2, 4, 5, 10 के क्वांटिटी में होगा। उसके बाद देखिए टेक्नीशियन 3 इलेक्ट्रीशियन के लिए, डीबी के लिए 67, 67 के 67, 65 का 65, 58 का 58, 56 का 56। तो कह दें कि ITI टेक्नीशियन का बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला है। इस बार 1.2 कैंडिडेट है, ये आराम से लगभग लगभग 99% कैंडिडेट का हो जाएगा, जिसमें कुछ ऐसे कैटेगरी होंगे जिसमें NEC भी होगा, कुछ ऐसे कैटेगरी होंगे जिसमें 1.5 गुना भी कैंडिडेट हो सकते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। उसके बाद और नीचे की तरफ आ जाते हैं, टेक्नीशियन डीजल इलेक्ट्रिकल के लिए देखिए, यहाँ भी 53 से 57 हुआ है, एक ही कैटेगरी AC की पोस्ट थी, 55 से 57 हुआ है, 2 नंबर। उसके बाद फिर आया है फीटर का देखिए 67 से 67, देख सकते हैं यहाँ पे एक बार, यहाँ पे फीटर टेक्नीशियन 3 है, डॉक्यूमेंट के लिए कटअप 67.22 और फाइनल कटअप 67.22। उसी तरह अगर OBC में देखें तो यहाँ 65.64 से 68.78 हुआ है। तो कुछ लोग कहेंगे कि UR से OBC का ज़्यादा हो गया, तो ये मेन कारण होता है एज का, जितना एज का बेनिफिट अगर OBC में आपने ले लिया तो वो आप आके डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं, किस में UR में नहीं जा सकते, जिस कारण से ये बढ़ जाता है। उसके बाद 61.22 के बाद 61.22 AC के लिए 47.29 से 47.35, कहाँ नंबर बढ़ा है दोस्त। तो इस बार भी आप अनुमान लगा ले, वैकेंसी थोड़ी सी लार्ज है, कैंडिडेट भी लार्ज है, तो 1-2 नंबर ज़्यादा से ज़्यादा 5 से नीचे ही रहेगा किसी भी कैटेगरी में बढ़ने का। लेकिन आपको एक ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कट ऑफ आएगा, इसलिए आपको पता नहीं चलेगा, ये RTI का जवाब है, इसलिए सारा डिटेल में दिया हुआ है। तो एक बार आप देख ले, मैं इसको एक छोटा कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये डिटेल है कि ये कट ऑफ ALP और टेक्नीशियन के हुई है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं गया है। तो ध्यान दीजिए, इसीलिए 1.5 गुना बुलाया जाता है, बहुत से कैंडिडेट पोस्ट को क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हैं, जिसलिए एडिशनल कैंडिडेट को बुलाया जाता है, और इस बार भी यही होगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है, लोगों को मैं एक सजेशन देना चाहूँगा, अभी सारा चीज़ छोड़ के, सभी चीज़ें छोड़ के आप मेडिकल पास होने पे कंसंट्रेट कीजिए। जितनी आराम से आप मेडिकल पास हो लेंगे, वो एक पोस्ट आपके लिए रहेगा, या तो वेटिंग में रहेगा या आपके मेन लिस्ट में रहेगा। तो सबसे पहले फोकस मेडिकल पे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की सारी डॉक्यूमेंट पे, ये ध्यान नहीं दीजिए कितना कटअप बढ़ेगा कितना कम होगा। थैंक यू, धन्यवाद।